नमस्कार दोस्तों, IQOO न्यू 9 प्रो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका कंफर्मेशन हो चुका है ऑफिशियल तरीके से। और यहाँ पे सिर्फ IQOO न्यू 9 प्रो 5G स्मार्टफोन को ही लॉन्च किया जाएगा, बिकॉज ऐसा ऑफिशियल मेंशन हो चुका है। तो इस फोन में क्या कुछ देखने को मिलेगा और किस प्राइसिंग पर और कब लॉन्च होने वाला है, इसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंड तक तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, IQOO न्यू 9 प्रो 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और ये फोन लॉन्च होगा अमेजन के एप्लीकेशन पर। ये फोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे इस फोन का फर्स्ट लुक। ये फोन देखने में काफी इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट कलर के साथ आता है, और यहाँ पर जो रेड और व्हाइट का मिक्स वाला कलर है, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे IQOO न्यू 9 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है, जिसका प्राइसिंग काफी कम होगा, लेकिन अभी ऑफिशियली मेंशन किया गया है कि IQOO न्यू 9 प्रो को पहले लॉन्च किया जाएगा। ये फोन काफी इंटरेस्टिंग है, इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह काफी तगड़ा है। अगर हम बात करें कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस फोन में होने वाला 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में होने वाला है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और काफी अच्छा खासा टच सैम्पलिंग रेट भी होने वाला है। डिस्प्ले का बेजल्स काफी पतले हैं, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर हम कैमरा सेटअप के बारे में बात करें, तो इस फोन में होने वाला AI डुअल कैमरा पीछे की तरफ से, जहां पर 50MP का मेन कैमरा है, जो कि है सोनी का IMX920 वाला सेंसर, जो कि आता है OIS और सपोर्ट के साथ। उसके बाद दिया गया है 8MP का अल्ट्रा वाइड, और फ्रंट में होने वाला 16MP का सेल्फी कैमरा, जो कि आने वाला सेंटर टीनी पंचोल के साथ। दोस्तों, IQOO न्यू 9 प्रो 5G स्मार्टफोन है, इस फोन में लगा हुआ मिलेगा स्नैपड्रैगन का 8th Gen 2, बिकॉज ये फोन IQOO न्यू 7 प्रो 5G स्मार्टफोन का सक्सेसर होने वाला है, और आने वाला है LPDDR5X रैम के साथ और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ। 5G फोन है तो आपको देखने को मिलेगा 13 5G के बैंड, 5160mAh का बैटरी होने वाला है, मतलब 5000mAh का बैटरी होने वाला है, जो कि आएगा 120W चार्ज सपोर्ट के साथ, और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने वाला है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, आयर ब्लास्टर भी होने वाला है, और ये फोन आने वाला है एंड्रॉइड 14 पर, जो कि रन करता हुआ दिखेगा लेटेस्ट फन टच OS पर। ये फोन 3 कलर के साथ इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर जो रेड और व्हाइट का मिक्स है, ये आता है लेदर फिनिश के साथ। ये फोन देखने में काफी इंटरेस्टिंग है और स्पेसिफिकेशन भी काफी तगड़ा दिया गया है। अगर हम बात करें इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है अमेजन के एप्लीकेशन पर फरवरी के महीने में, मतलब स्टार्टिंग फरवरी में ही ये फोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में। इसका कंफर्मेशन ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे हो चुका है, आप देख पा रहे ये फोन लॉन्च होने वाला है फरवरी के महीने में ही, और स्टार्टिंग फरवरी में ही ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो इस फोन का प्राइसिंग भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 34,000 के आसपास में ये फोन लॉन्च होगा, जो कि डिस्काउंट वगैरह करने के बाद आपको मिलेगा 32,000 के अराउंड में। इस प्राइसिंग में ये फोन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, मतलब IQOO न्यू 7 प्रो 5G स्मार्टफोन जिस प्राइसिंग पर मिल रहा है, सिमिलर प्राइसिंग में आने वाला है IQOO न्यू 9 प्रो 5G स्मार्टफोन। तो आप इस फोन को लेकर कितना इंटरेस्टेड हो, आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। धन्यवाद।